मॉर्निंग किरण, आज आप पढ़ेंगे मानवीय कल्पना की दिव्य चमक पाठ, और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये जो पाठ है ये एक संस्मरण है, संस्मरण माने किसको याद करके लिखा जाने वाला, यादगार है मतलब। तो प्रस्तुत पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखे एक उच्च कोटि का संस्मरण है, जिसमें फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यावहारिक विशेषताएं वर्णित हैं। मतलब उनके चरित्र की विशेषताएं और उनका व्यवहार कैसा था लोगों के साथ, वे सब गुण इस संस्मरण में बताए गए हैं। बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के ऐसी भूमि से भारत आए, उनका जन्म हुआ था बेल्जियम में और वहाँ से वे भारत आ गए थे। तो ऐसी भूमि से भारत आए थे वे जहाँ गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है बेल्जियम। उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु पर्यंत माने जब तक वे मरे नहीं, तब तक उन्होंने भारत को अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा, मतलब यही काम करते रहे, यही रहते रहे। फादर सन्यासी थे परंतु परंपरागत नहीं, अपने कर्मों से थे, अपने गुणों से थे, लेकिन परंपरागत माने अपनी परंपरा के हिसाब से नहीं थे। उनके कोई खानदान में ऐसी परंपरा नहीं आ रही थी कि सन्यासी ही बनना है। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। तो लेखक और फादर के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे, तो उन्होंने उनकी याद में इस पाठ की रचना की। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए, जबकि वे बेल्जियम के थे, ईसाई धर्म को मानने वाले थे, लेकिन वे भारत आने पर भारतीय संस्कृति में इतने बस गए और हिंदी को उन्होंने राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास भी किया, जो बहुत प्रशंसा के योग्य है। लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि जिसकी रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर का विधान क्यों किया। इसका मतलब समझ लीजिए, लेखक को पता नहीं चला कि कब फादर कामिल बुल्के बीमार हुए, लेकिन जब उसको उनके निधन का समाचार मिला तो वह ईश्वर से पूछता है ये प्रश्न। उसको बहुत अफसोस होता है इस बात पर कि जिसकी रगों में माने नसों में मिठास के अलावा कोई चीज थी नहीं, सबसे प्रेम करते थे वो, सबसे स्नेह करते थे, मानवीय गुण भरे हुए थे उनमें लबालब, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जहर का विधान क्यों किया, जहर का नियम क्यों बनाया, जहर की बात क्यों कर रहे हैं वो, किसी ने जहर नहीं दिया था उन्हें। फादर की मृत्यु जो थी वो जहरवाद के कारण हुई थी। जहरवाद कहते हैं गैंग्रीन को, अंग्रेजी में कहते हैं गैंग्रीन, जिसमें क्या होता है कि कष्ट देने वाला एक फोड़ा होता है जहरीला, जो बहुत यातना देता है, बहुत कष्ट देता है व्यक्ति को। तो फादर की मृत्यु जहरवाद के कारण कठिन यातना सहते हुए हुई थी। जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजन के प्रति भरा था, उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी। तो लेखक ये पूछ रहा है ईश्वर से कि इतने सज्जन व्यक्ति के साथ तूने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। लेखक आज भी फादर की स्नेहमयी भावों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता है। उसे लगता है कि फादर अभी भी उसे अपना प्यार दे रहे हैं, उसके मरने के बाद भी उनकी स्मृति उसके दिमाग से नहीं। तो लेखक के लिए फादर बुल्के को याद करना शांत संगीत सुनने जैसा लगता था, उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, उनसे बातें करना कर्म को संकल्प से भरने जैसा था। जब वे उनसे बातें करते थे तो उनमें लगता था कि पता नहीं क्या शांति मिली। तो लेखक स्मृतियों में डूब जाता है, स्मृतियों माने यादों में खो जाता है फादर कामिल बुल्के की। वे पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, मतलब हर किसी के परिवार में
घुल मिल जाते थे, वे हंसी मजाक में शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे। जब भी हम सब इकट्ठा होकर परिवार में बैठते थे तो वे भी खूब बातें करते थे, गंभीर बातें करते थे, बहस छेड़ देते थे एक तरह की, और हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे। बेबाक कहते हैं स्पष्ट विचार प्रकट करना, अपने बेबाक माने स्पष्ट विचार प्रदान करना या सुझाव देना, राय देना। वे हमारे घरों के किसी भी उत्सव या संस्कार में बड़े भाई की तरह खड़े रहते थे और पुरोहितों की तरह आशीष देते थे। जैसे पुरोहित माने पंडित, जैसे पंडित आशीर्वाद देते हैं, इस तरह से वे हमारे बड़े भाई या पंडित की तरह हर हमारे उत्सव में और हमारे संस्कार में, कोई भी संस्कार होता था घर में उसमें भी साथ देते थे, तो ऐसा लगता था जैसे बड़ा भाई या पंडित हमारे सिर पर है। तो लेखक ने उन्हें कभी भी क्रोध में नहीं देखा था, अपितु सदैव ममता और प्यार से लबालब छलकता महसूस किया था। उन्हें लगता था कि इनके अंदर प्यार के अलावा, स्नेह के अलावा कुछ नहीं है। फादर कामिल बोल के में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। तो उन्हें देखकर लेखक के मन में ये जिज्ञासा हमेशा बनी रहती थी कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर, जब बेल्जियम में वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो अंतिम साल था उनका, तो फादर बुल्के जो है उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा अचानक कैसे पैदा हो गई, जबकि उनका भरा पूरा घर था, उनके घर में सब लोग मौजूद थे, उनका परिवार खूब बड़ा था। तो ऐसा क्या हुआ, ये जिज्ञासा हमेशा जानने की इच्छा पैदा रहती थी लेखक के मन में कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर फादर बुल्के सन्यासी बन गए।